अभिषेक भाई। हेलो गाइज, माय नेम इज शाल पॉल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और दोस्तों, आज का दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मस्त है। तो दोस्तों, आज हम प्लान किए हैं कुआमारी और टाटामारी पे जाने का, वहां पर एक्सप्लोर करने का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप रायपुर में रहते हो तो रायपुर से कुआमारी ओनली 174 किलोमीटर की दूरी पर है, बिलासपुर से 289 किलोमीटर की दूरी पर है, और जगदलपुर में रहते हो तो आप जगदलपुर से 148 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, ये लोकेशन बहुत ही मस्त है, और टाटामारी और कुआमारी दोनों एक ही मतलब अलग अलग है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको, और दोनों लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। भगाया जाए के ऊपर में तो ले ही नहीं रहूँगा, तो सोचा था एक बार को ना दूर तो एकदम भगाते हुए निकली गाड़ी में, और ऑडियो का तो पता नहीं मेरे को कैसे आ रहा है, तो नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पैसा अभी नहीं है, मेरी कानून से बहुत ज़्यादा 2-3 लाख का खर्चा कर लिया हूँ अपने इक्विपमेंट पे, और ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता, धीरे धीरे अपना पैसा से कमाऊँगा, लेंस लूँगा, लेंस लेना बाकी है, कैमरा का 70-200 उसको लेने के बाद कंप्यूटर भी अभी तक मेरा सेटअप नहीं हुआ है, उसको भी जल्दी से सेटअप करना है। इंग्लिश दोनों कमज़ोर है, और अपन दोनों को मिक्सचर बना के इंग्लिश का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और सुबह सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रोड तो बीच में अच्छा था, अभी बीच में ख़राब हो गया, और स्कूटी पे यही थोड़ा दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में रोड में, क्योंकि छोटा छोटा चक्का है ना, एकदम जर्क करता है, और एक्सपल्स लेते तो साइंस है, यही ये रोड से चलाता दोस्तों, एक्सपल्स लेता ना तो ये रोड से नहीं चलाता, ये रोड से चलाता, ये रोड से ऐसा करके भगाते, मतलब ये जो रोड है जल्द से जल्द बनाया जाए, हमारे कोरबा वाले भाई बंधु लोग आएंगे तो बोलेंगे भाई रोड ख़राब है, तो अच्छा नहीं लगता ना यार, तो रोड का अच्छे से बनाया जाए यार। और यहाँ से मिला अपन को एकदम थाईलैंड वाला रोड, और उस पर अपन अपना एक्टिवा 6G को चला रहे हैं, जल्दी अपन ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देंगे, डोंट वरी अपन सब करेंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा ना दोस्तों, तो अपन GoPro से वीडियो बना देना, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपन कैमरा से भी करेंगे, अपन के पास वाइड एंगल लेंस नहीं है, इसलिए अपन GoPro से ही बनाते हैं, और मोबाइल भी उतना ढंग का नहीं है जिससे अपन क्लैरिटी दे सके। तो दोस्तों, ये है केशकाल, अपन आ गए केशकाल, और जल्दी अपन जाएंगे टाटामारी, अपने को लोकेशन नहीं पता, पीछे वाले को भी लोकेशन नहीं पता, मैप यूज करेंगे, पता है तेरे को लोकेशन? हाँ, लोकेशन पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बस आ गए हैं अपन केशकाल, 0.5 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है केशकाल, और केशकाल में मतलब बहुत सारे लोकेशन हैं, लेकिन अब अपन को पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ से जाना है, क्योंकि वो गांव के अंदर अंदर में स्थित है, वो सब लोकेशन अच्छे अच्छे लोकेशन, वाटरफॉल्स, हिल स्टेशन, और दिक्कत ये है कि अपन नए हैं और मेरा भाई भी उतना ज़्यादा घूमा नहीं है, तो उतना पता नहीं है लोकेशन के बारे में, तो अभी अपन गूगल मैप का सहायता लेंगे। आगे वाले से जाते हैं, आगे वाले से, हाँ आगे वाले, ठीक है। तो दोस्तों, टाटामारी 1 महीने के लिए बंद है, ये टाटामारी जाएंगे, हिल स्टेशन आपको दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं कुआमारी, क्या पता वहाँ पानी निकल जाए, और लोकेशन बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लोग को अगर मज़ा आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अभी कुआमारी बचा है, बहुत सारे वाटरफॉल बचे हैं। दोस्तों, यहाँ से पूरा लोकेशन जो है वो पूरा झरना वाला लोकेशन है कुआमारी, और भी बहुत सारे जो वाटरफॉल्स हैं ये इधर ही से ही जाते हैं,
बटराली होते हुए, बटराली का वहाँ बोर्ड होगा सामने में, वहाँ से ही आपको पूरा झरना दिखेगा। और अभी जो नॉन सीज़न, मतलब कि अभी जो सीज़न नहीं है मतलब वाटरफॉल का, क्योंकि पानी अभी बहुत सूख गया है तो कम पानी दिखेगा अपने को, फिर भी अपन जा रहे हैं वहाँ पर, नाश्ता वास्ता करेंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पानी भी नहीं पिए हैं। भैया कुएं मारी कहाँ से है? कुएं मारी सामने जाके लेफ्ट लेना, सामने से लेफ्ट थोड़ा सा वो मिलेगा ना, वहाँ बहुत सारा वाटरफॉल है ना। ठीक है, एक ही रास्ता पूरा जाता है ना। ठीक है ठीक है। और आस पास 10 किलोमीटर के आस पूछा था तो वो बोला कि यहाँ से लेफ्ट लेना है। और ये देख सकते हो कुआ मारी मार्ग लिखा हुआ है, देखिए। यहाँ पर बहुत सारा झरना है और कुएं मारी 10 किलोमीटर की दूरी पे है ओनली। दोस्तों अभी तक कुआं मारी आया नहीं है, बहुत अंदर ही अंदर है, गांव के अंदर अंदर है, लेकिन आपको सारा समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किधर कहाँ से है। मैंने दोस्तों कुछ ना कुछ तो देखने को मिला, यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पर होगा। यहाँ से जाते हैं बेटा। फेंक के मांग दियो, फेंक के मांग। हाँ बेटा हेलो, तेरा नाम अब से रख देते हैं हम शिकारी। हाँ शिकारी, शिकारी ठीक है, और नहीं है, अगर आना है तो नीचे आ सकता है नीचे। जैसे कि दोस्तों कुएं मारी है इतना पता है, और दोस्तों आप सभी को बता दूं, चैतुरगढ़ हो गया, बोईरपड़ा हो गया, वैसे ही ये कुआ मारी जो लोकेशन है अपन को डॉग मिल ही जाता है, तो इसका नाम मैं रखा हूँ शिकारी। और जो कोई भी आएगा भाई इसको थोड़ा नाश्ता वास्ता दे दीजिएगा, थोड़ा चुस्त दुस्त तंदुरुस्त हो जाए। दोस्तों अगर आपको नीचे आना है तो इधर से नीचे जाना पड़ेगा, और रास्ता जो बना नहीं है इसके लिए अलग से, थोड़ा सा मतलब पत्थर 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 है, तो थोड़ा देख दाख के आइएगा, अच्छा जूता पहन के आइएगा जिससे अच्छे से आप नीचे जा सके, चप्पल वप्पल में मत आइएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम हैं आपके सामने और कर रहे हैं इस लोकेशन को एक्सप्लोर। मेरा नाम है विशाल पॉल, खाने का पूरा सामान लिया है, लेकिन अपन इधर उधर नहीं फेंकेंगे, सीधा प्रॉपर डस्टबिन में फेंकेंगे। डस्टबिन में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। खाना लेके आ रहे हो पन्नी वन्नी को अगर फेंक देते हैं लोग, से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाटरफॉल आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को ज़रूर, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वाटरफॉल आपको मैं अपने YouTube चैनल पे एक्सप्लोर करते रहूँगा और दिखाते रहूँगा आपको, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यह वाटरफॉल को देखने से ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ पर सामने में खड़े हो जाऊँ वो वाटरफॉल, और वहाँ पर बैठ के ना मस्त फोटो खिंचाऊँ। तो दोस्तों खाना खा लिए, मतलब नाश्ता कर लिए अपन, बड़ा लेके आए थे समोसा, वैसे मिला नहीं, समोसा मिलता तो और मज़ा आता, समोसा नहीं मिला। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये लोकेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। Tonight, way tonight, better off.
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नया जर्नी नया डेस्टिनेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।